अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल से आसान से पकौड़े बनाने में आप लोगों को सिखाऊंगी, जो कि बाजारी बजूरी टच देंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, आप लोग घर में मौजूद होंगे। ज्यादा मसाले नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि ज्यादा मसाले खा के या तो पेट खराब हो जाता है या तो सारा दिन भूख नहीं लगती और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है जी। चलते हैं पकौड़े बनाने की तरफ, देखते हैं इंग्रीडियंट्स जी। तो अब रेसिपी शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स का बता देती हूँ। हमें 5 आलू चाहिए इस साइज के। अगर आपके पास बड़े साइज के आलू हैं तो आप लोग 4 कर लें, छोटे साइज के आलू हैं इससे तो आप लोग एक एक्स्ट्रा ऐड कर लें, ठीक है जी। उसके बाद हमें प्याज चाहिए 2, एक मुट्ठी भर के हमें पालक की चाहिए इस तरह, 3 हरी मिर्चें चाहिए और ये धनिया चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए 6 टेबलस्पून दही के। टेबलस्पून भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भर भर के 6 टेबलस्पून दही के। अच्छा जी, अब आती है मसालों की बारी। मसालों की तरफ आते हैं, 2 चुटकी अजवाइन की चाहिए, हसबे ज़रूरत आपको नमक चाहिए, ठीक है जी। कुछ लोगों पकौड़ों में नमक थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, किसी को पूरा पसंद होता है, ठीक है जी। आप लोगों ने नमक अपने हिसाब से डाल लेना है। 1 टीस्पून आप लोगों ने लाल मिर्च भर के डाल देनी है, ठीक है जी, ये टीस्पून मैंने यूज़ की है। उसके बाद ये सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया लेके उसको दादरा दादरा कर लेना है, ठीक है जी, हल्का सा क्रश कर लेना है, बिल्कुल पीसना नहीं है। ये देखें जी, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, कुछ पीसा गया है कुछ साबित है। ये जी टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और हाँ जी, इसको तो मैं भूल ही गई जिसकी वजह से पकौड़े बनने हैं, बेसन, ठीक है जी। इसको भी उतना डालेंगे जितना बाइंड होने में मदद कर दे पकौड़े। ये जी सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख लें, आलू, प्याज, पालक, मिर्चें, धनिया, दही, बेसन, सूखा धनिया, नमक, 2 चुटकी अजवाइन और लाल मिर्च, बस जी। इस इंग्रेडिएंट से ज़्यादा हमने इसमें कुछ नहीं डालना। चले जी, अब कटाई शुरू करते हैं। प्याज की कटाई करते हैं, आलू की कटाई करते हैं, इसकी सबकी कटाई करते हैं। आलू हमने बहुत बारीक साइज का, छोटे साइज का काटना है ताकि क्रिस्पी पकौड़े बने और अंदर से कच्चे ना रहे। प्याज को हम आमलेट फॉर्म में भी, क्यूब फॉर्म में भी काट सकते हैं, लंबा लंबा भी काट सकते हैं, मैं लंबा लंबा काटूंगी। चले जी काटते हैं अब। चले जी, अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स काट लिए हैं, प्याज भी काट लिया है, पालक भी काट ली है, आलू भी काट लिया है, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर ये दही डाल देंगे, ठीक है जी। ये जो सारे स्पाइसेस थे, नमक, 2 चुटकी अजवाइन, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया और लाल मिर्च, ठीक है जी। सबसे पहले ये डाल के हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग बेसन डालेंगे, 6 टेबलस्पून अंदाजे से ये मैंने डालनी है, और ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह, जी अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसके अंदर, 3 दफा यूं करके हल्का हल्का करके। ज्यादा भी पानी ऐड नहीं करना, कम भी पानी ऐड नहीं करना, इस तरह करना है कि ये अच्छी तरह जुड़ जाए, ठीक है जी। कम से कम इसके अंदर 12 टेबलस्पून बेसन के डले हैं। अब जी ये रेडी हो गया है हमारा बेसन अच्छी तरह। अब जी हम अपने हाथ धो लेते हैं और तेल रखते हैं चूल्हे के ऊपर ताकि गर्म हो जाए, ठीक है जी। अब मैं अपने हाथ धो के आप लोग के सामने आती हूँ और चूल्हे पे तेल रखती हूँ, ठीक है जी, बंद कर दो नाजिया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम इस तरह हम चेक कर लेंगे, एक हम हल्का सा प्याज डालेंगे, ठीक है जी। ये बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है जी हमारा तेल गरम हो गया। हमने ठंडे तेल में नहीं डालने, अगर हम ठंडे तेल में डालेंगे
तो हमारे पकौड़े सारे टूट जाएंगे और बिखर बुखर जाएंगे। चलो जी हम पकौड़े डालना शुरू करते हैं। हाथ से डालूंगी क्योंकि पतले पतले बारीक बारीक मुझे अच्छे लगते हैं। चलें जी, हमने तेज आग पे पकौड़े डालने हैं, हमने हल्की आग पे पकौड़े नहीं डालने हैं। तेज आग पे पकौड़े टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं। अगर हल्की आग पे डालोगे तो पकौड़े बिखर जाएंगे। तो पकड़ो नाजिया, एक मिनट। अब डालते हैं पकौड़े। चलो जी ये पकौड़े डल गए हैं 10 से 12। इसको निकालते हैं फिर मजीद पकौड़े डालते हैं। ये जी मटेरियल बच गया है। मलियम और अब थोड़ी सी आग हमने आहिस्ता कर देनी है और इसको छेड़ना नहीं है। अभी 5 मिनट के बाद हम इसको छेड़ेंगे, ठीक है जी। अगर पहले छेड़ देंगे तो पकौड़े फिर भी टूट जाते हैं। चलो जी 5 मिनट के बाद मैं हाजिर होती हूँ। हाँ जी, अब हमारे पकौड़े अच्छी तरह रुड़ गए हैं। ये देखिए जी कितना प्यारा कलर आ गया है। ये मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। अब आती है निकालने की बारी। प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर रख देंगे। नाजिया आप एक मिनट इसको पकड़ें प्लीज़, ताकि मैं निकाल लूँ। यहाँ पे जी नाजिया रोटी बना रही है पकौड़ों साथ खाने के लिए। ये हम पकौड़े निकालते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, इस तरह हम सारे पकौड़े निकाल लेंगे। पकौड़े जब निकालने हैं आग तेज ही रहने देनी है, आग हल्की नहीं करनी है। ठीक है जी, आग हल्की पे हम निकालेंगे तो सही नहीं रहते पकौड़े, वो क्रिस्पी पन ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, आग बिल्कुल तेज़ है। पकौड़े निकालने के बाद अब हम लोग आग को थोड़ा सा आहिस्ता कर देंगे और दूसरे पकौड़ों की बारी। ठीक है जी, ये देखें जी क्लोज दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे हम अब रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने धनिया ऐड कर दिए। ठीक है जी, एक हल्का लहसुन ऐड करना, सिर्फ एक, ज़्यादा ऐड नहीं करना। आधी मैंने मिर्च ऐड की है और ये ज़ीरा ऐड की है और नमक ऐड किया है। ये जी इसके अंदर हमने डाल देना है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून दही के डालेंगे और इसको ब्लेंड करते हैं। चटनी बनाई गई है, अब चटनी को हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे जी। क्या खूबसूरत सा कलर आया है, और इसको अब मिक्स कर। ठीक है जी, इसके अंदर एक छोटा सा लहसुन ऐड कर दो तो चटनी को वाह 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 हो जाती है, बड़ी स्वादी बनती है। चलो जी चटनी भी तैयार है, उसके बाद पकौड़े भी तैयार हैं। ले लो, तुम्हारे लिए बनाए हैं। इसी बार मैंने चलो खाना अच्छा मिला हो गया। और जनाब साहब वो रोटी बन रही है। हाँ जी बताए कैसे बने हैं? बहुत पता है। चलो फिर चावा जी भागो जी। दूसरा पूर पकौड़ों का बन रहा है। यहाँ पे जी हमारी टीम बैठी हुई है, पकौड़े खा रही है। आंटी जी आप भी खा लें, ये ले। चले जी जी, अब हमारे पकौड़े बन गए हैं और आप लोग ने देख भी लिए हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने पहली रेसिपी पे मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, मजा आ गया सबकी रेसिपीज देख के। सबने पिक्चर सेंड की इंस्टाग्राम पे, मुझसे भी ज्यादा अच्छी आप लोगों ने रसमलाई बनाई, मुझसे ज्यादा अच्छी बॉल्स बनाई और मुझसे अच्छी ज्यादा डेकोरेशन की। आप लोग अब पकौड़े बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा टेस्ट था, और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आऊंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।